हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम माई नेम इज रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस पूरे सिलेबस का एनालिसिस आज हम करेंगे मॉड्यूल वाइज प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस का इनडेप्थ सिलेबस आज जो है आपको प्रोवाइड करेंगे राइट so my name is ramandeep singh and i've been teaching on bank exams today from last 13 years. so till now i have taught more than 30,000 students, a lot of selections, thousands of selections actually. so 2.5 lakhs, more than 2.5 lakhs subscribers on our youtube channel, 50,000 page views on our blog, bank exams today every day. so this is my whatsapp number. in case there is any doubt in your mind, you can ask your doubts and i'm going to answer you. so the selection process, there is a reasoning ability section, purchase question, purchase marks. इंग्लिश लैंग्वेज पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस मार्क्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पचास क्वेश्चन पचास मार्क् प्रोफेशन नॉलेज हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स टोटल वन ट्वेंटी मिनट्स आज देयर वेदर टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू येस टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू सौ क्वेश्चन आप फिर भी अगर तीस सेकंड में भी आप क्वेश्चन करते हो स्टिल यू यू नीड लाइक फोर्टी फाइव मिनट्स एट एटलीस्ट आई वुड से फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स आपको यहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे ठीक है नाव इफ यू डू क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए यू नीड एटलीस्ट आई वुड से थर्टी मिनट्स एटलीस्ट पचास क्वेश्चन करने हैं आपको एनी एनी वेज विल भी डूइंग थर्टी फाइव फोर्टी क्वेश्चन थर्टी फाइव क्वेश्चन स्टिल यू नीड लाइक थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स यू आर गोइंग टू स्पेंड हेयर इंग्लिश लैंग्वेज रिजनिंग एबिलिटी में आप लगा लीजिए फिर भी आप बीस बीस बाईस बाईस मिनट आप लगाएंगे देन आई गेस दैट इज सफिशेंट ठीक है इतने में बाकी आप बफर का मिनट लगा लीजिए बफर इज़ देअर सो दिस इज़ द एडिकुट आई वुड से टाइम एलोकेशन ये टाइम एलोकेशन सही रहेगा आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आपके पास ऑप्शन रहेगी एग्जाम में ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट विथ प्रोफेशनल नॉलेज सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आपका मोटिवेशन लेवल बहुत बूस्ट होगा सो इन द फर्स्ट आई वुड से ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स जब आप चालीस पैंतालीस क्वेश्चन कर लोगे आप, आपका एक मोटिवेशन आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा स्टार्ट विद प्रोफेशनल नॉलेज ऑलवेज ठीक है एंड दैन मूव ऑन ऑन टू क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड देन एट द एंड इंग्लिश लैंग्वेज तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन uh, रहेगी ये आप ध्यान में रख के चलें ठीक है इन द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन लेट मी जस्ट हाइड माई फेस सो दैट यू कैन रीड ऑल द मड्यूल्स सो इन द मड्यूल वन देर इज ओवर व्यू ऑफ क्रेडिट Uh, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग क्रेडिट पॉलिसी टाइप्स ऑफ बॉरवर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज क्रेडिट डिलीवरी क्रेडिट अप्रेजल एंड क्रेडिट रेटिंग ये ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट के पहले मॉड्यूल में आपका आता है टाइप्स ऑफ बॉरवर मॉर्गेजेस की टाइप क्रेडिट की डिलीवरी अप्रेजल क्रेडिट रेटिंग ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं uh, इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ऑल्डो आते नहीं है लेकिन ये आपका बेस स्ट्रॉग करते हैं सेकेंड मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो अनालिसिस एवरी ईयर वी कैन एक्सपेक्ट लाइक फोर फाइव क्वेश्चन एट लीस्ट डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में से भी कैश फ्लो फंड फ्लो में से भी तीन दो तीन क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज इम्पॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से टू थ्री क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द जर्नल एंट्रीज अ बैलेंस शीट उसमें से भी दो तीन क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट ये बहुत ही कॉमन है ठीक है इंडियन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल मैनेज फाइनेंशियल सिस्टम इज़ देयर उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया द आर बी आई द नाबार्ड देबी इनके हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पे है इनका हेड कौन है राइट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वेरियस मनी मार्केट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कमर्शियल पेपर्स सी ईडीज़ उनका मेचोरिटी पीरियड क्या है एटसेकट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थ्रेटिकल पोर्शन जिसमें ज़्यादा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है बेसिक्स ऑफ डेरेवेटिव रियली रियली इंपॉर्टेंट लेवरेजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है लेवरेजेस डेरेवेटिव में भी आपको ज़्यादा प्राइसिंग वगैरह वाले टॉपिक में नहीं जाना है ऑप्शन uh, ट्रेडिंग में नहीं जाना है बेसिक्स ऑफ डेरेवेटिव आपको पता होना चाहिए कि कॉल ऑप्शन क्या है पुट ऑप्शन क्या है राइट right. ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है राइट बेसिक यू शुड नो द कैपिटल बजटिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इतना एन वगैरह आपको पता होना चाहिए नॉट रियली इन डेप्थ क्योंकि नुमैरिकल मुझे लगता नहीं है इन डेप्थ वाले आने वाले हैं यहाँ पे ठीक है द काइंड ऑफ नोमरिकल्स विच कैन बी सोल्व विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर जो कैलकुलेटर के विदाउट uh, के बिना सॉल्व हो सकते हैं ऐसे कैलकुलेटर ही ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं अदर क्रेडिट में एक्सपोर्ट फाइनेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पी एक आर का मास्टर सर्कुलर है बट इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट इसीलिए इसको सेपरेटली शो किया है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़ सारे मॉर्गेज़ एटसेट्रा वाली फैसिलिटीज़ हाइपोथिकेशन काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ गारंटी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक अटल पेंशन योजना मुद्रा योजना आपका वे वंदना योजना अटल पेंशन जनधन योजना ऑल द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एमएसएमई फॉर स्मॉल ऑन्टरपनोर्स राइट जैसे कि मुद्रा स्कीम है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंश्योरेंस फॉर पेंशन काइंड ऑफ फंड्स पेंशन स्कीम्स ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिटेल लोन्स का बेसिक आ जाता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से हर बार यू कैन एक्सपेक्ट लाइक फाइव टू टेन क्वेश्चन इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट ट्रस्ट मी पी से लाइक फोर फाइव क्वेश्चन आउट ऑफ लाइक फिफ्टी फोर फाइव तो छोड़िए टू टू फाइव क्वेश्चन कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं कई बार कम आते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस में से टू थ्री क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व हैं लिमिटेशन एक्ट जैसे कि uh, आपको इधर नहीं मिला आर के लॉज रिलेटेड लॉज में लेकिन लिमिटेशन रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी ऐसे कुछ एक टॉपिक्स का समरी डॉक्यूमेंटेशन में ही होता है सो दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट आई आर ए सी नॉम्स ऑल दो इट इज़ एन आर बी आई सर्कुलर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ चार्जेस मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स आई बी सी और सरफ आई सी यूज़ करके मैनेजमेंट ऑफ इंपेयर्ड एसेट होता है एंड आई आर ए सी नॉर्म्स भी इस पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है आर बी आई सर्कुलर फॉर लास्ट वन ईयर्स वन एंड हाफ ईयर्स आई वुड से कंपनीज़ एक्ट का बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक अगेन इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आर बी आई एक्ट नेगोशियबल इंस्ट्रोमेंट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट इन सारे एक्ट में से नेगोशियेबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर बी आई सर्कुलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट लाइक एट टू लाइक ट्वेंटी क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वेरी कॉमन नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट में से अगर आते भी हैं दो तीन क्वेश्चन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से एक, एक आध क्वेश्चन आता है ज़ीरो टू वन क्वेश्चन फ्राम दीज टॉपिक्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनीज एक्ट में से रेयरली ही क्वेश्चन आते हैं एक दो एक दो क्वेश्चन आते हैं मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन फ्राम आर बी आई सर्कुलर्स यू कैन एक्सपेक्ट बाकी मैंने बता दिया आई बी सी और सर्फ आई सी में से भी एक दो एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस में से कभी आया कभी नहीं आया आई आर ए सी नॉम्स में से भी एक दो एक दो क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन में दो तीन क्वेश्चन हर बार आने ही आने हैं ठीक है तो ये एक अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है ये सारे टॉपिक्स में से आप देख लीजिए कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में एक दो क्वेश्चन रेगुलेटरी बॉडीज एक दो एक दो क्वेश्चन ये दोनों मिला के लेवरेज डेरीवेटिव ऐसे टॉपिक्स ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है सो so, एक दो एक दो क्वेश्चन ठीक है सो दिस इज़ द पैटर्न फॉर द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन ठीक है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका डेटा इंटरप्रटेशन वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ फिफ्टी बोट्स एंड स्ट्रीम्स है आपका टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्टनरशिप मिक्सचर्स एंड एलिगेशन एजेस एंड एवरेज सो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स टाइम एंड वर्क जीरो टू वन क्वेश्चन जीरो टू वन जीरो टू वन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एक दो एक दो क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते पार्टनरशिप एक दो एक दो दिस इज़ द काइंड ऑफ पैटर्न राइट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एंड इंट्रस्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन आप आगे चलिए पाइप्स एंड सिस्टम्स एरिया एंड वॉल्यूम कभी कभार आता है नंबर सीरीज लीनियर इक्विशन इक्वेशन एंड डेटा सफिशंसी एक दो एक दो क्वेश्चन राइट पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स पच्चीस क्वेश्चन टोटल आने हैं कुल आने हैं तो यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट वन पजल मे बी और वन सिटिंग अरेंजमेंट फाइव टू टेन क्वेश्चन एट मैक्स यहाँ से आएगा बाकी क्वेश्चन आपके टेन भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ मे बी फाइव क्वेश्चन ओनली मे बी एक भी पज़ल ना आए देन मशीन इनपुट आउटपुट ऑर्डर एंड रैंकिंग इनकवालिटीज़ एक दो एक दो 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 दो, दो क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए यहाँ से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस हंड्रेड परसेंट ब्लड रिलेशन में से आपके दो क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस टेस्ट में से दो तीन क्वेश्चन डायग्राम से एलॉजिजम में से दो तीन क्वेश्चन स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स जीरो टू टू जीरो टू टू लगा लीजिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड एक्जामेशन कोडिंग डिकोडिंग ये सारे टॉपिक्स में से आप एक दो एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रीएंशन क्लोज टेस्ट एरर स्पॉटिंग डबल फिलर सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन जो कॉम्प्रीहशन है इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव आपको दस बारह मार्क का तो कॉम्प्रीएशन होगा ही होगा एंड देन मे बी उसी में क्लोज टेस्ट आ जाए एरर स्पॉटिंग लाइक टू टू फाइव मार्क्स डबल फिलर्स लाइक टू टू फाइव पैराजंबल्स हंड्रेड परसेंट होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट लाइक जीरो टू फाइव क्वेश्चन एंड सम वो बेस्ड क्वेश्चन इन ऑन एम एंड टन एम टाइप इसका आर सी के अंदर से ही आपको पूछ लिया जाएगा मे बी दो आर सी आ जाए वेरी कॉमन सो स्टूडेंट्स यही सिलेबस है जो हमने पूरा एनालाइज कर लिया है आपको जहाँ भी आपको कोई दिक्कत है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो यू कैन पॉज योर वीडियोज एनी टाइम एंड यू कैन वॉच द सेशन राइट सो पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कॉस वी आर डूइंग द सेशन वी आर डूइंग द वीडियो क्लासेज यू कैन वॉच द सेशन एनी टाइम So, there are video classes, notes, quizzes, test series, power capsule, and interview preparation guidance in a course. Link to join the course is available in the description 9067201000. This is our WhatsApp number where you can ask your doubts and we are going to answer your doubts. So, students, a list of successful students who took our courses in the past. All these students that took our courses in the past for Bank of Maharashtra Journalist Officer 2023. A Bank of Maharashtra Journalist Officer 2022, IBPS RRB Scale 2 Scale 3 2022, 2021, PNBS So Credit Officer 2021, Bank of Maharashtra Journalist Officer 2020, RRB Scale 2 Scale 3 2020, 2019. So Bank of India Credit Officer Vijaya Bank. All these students they took our courses in the past and they cracked their respective exams. I am really really happy for them. So the uh, PNBSO credit officer, we did the course in 2020 and all these students require course and they cracked the respective exam, the same exam that going to, that you are going to appear. So I'm really proud of all my previous students. So if there is any doubt in your mind, please ask your doubts and we are going to answer your doubts. So thank you and have a very nice day. Link to join the course is available in the description. Bye-bye.